नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू मिशन बिहार वाला। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुबई के मशहूर कंपनी एसीसी कंपनी के बारे में, यानी कि अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे कि एसीसी कंपनी कैसा है दुबई के अंदर, इसका मैनेजमेंट कैसा है। आज हम इसका मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसका मैनेजमेंट कैसा है, सही है कि नहीं है, इसमें सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं है, कंपनी का खाना है कि क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे कि इसका वैकेंसी आता है कि नहीं आता है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस करके दोस्तों अलग कर लीजिए। दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करता हूँ वीडियो और आप सभी को बताता हूँ एसीसी कंपनी के बारे में। दोस्तों एसीसी कंपनी एक बहुत ही समझ जाइए तो पुराना कंपनी है, लगभग में 50 वर्ष से ज्यादा कंपनी ये पुराना है। यह कंपनी दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, यहाँ तक कि लंदन हो गया, या भी समझ जाइए कि बहुत सारे जगहों पे, इंडिया हो गया, बहुत सारे जगहों पे एसीसी कंपनी का काम चलता है। आप लोग अपने इंडिया में देखे होंगे एसीसी सीमेंट है, बहुत सारे एसीसी के बहुत जगहों पे एसीसी कंपनी का काम चलता है। तो एसीसी कंपनी एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, लेकिन इसमें एक कमी है कि वर्करों को जो भी आता है सैलरी कम देता है। वर्कर जो भी भाई है, वर्कर भाई है, इन लोगों को सैलरी कम मिलता है, चाहे उस ट्रेड वाले हों या हेल्पर हों या कोई भी हो। तो दोस्तों इसमें सैलरी कैसा रहता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो सैलरी कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन इसमें ओवर टाइम पहले बहुत ज्यादा चलता था। अभी के टाइम में दुबई के अंदर में इसका ओवर टाइम बिल्कुल कम हो गया है। काम नहीं होने के कारण, काम नहीं मिलने के कारण इसके पास ओवर टाइम नहीं है। अभी इसको काम मिला हुआ है, बिला का काम मिला हुआ है, वहां पे बिला का काम इसको मिला हुआ है। तो दोस्तों इसका वैकेंसी आया हुआ है। आप लोग बिहार में जानते हैं, बिहार में सीवान जिले के मैरो में इसका इंटरव्यू चलने वाला है। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, ऑफिस का नाम सब कुछ लिखा हुआ है उस पर, और उस पर सब कुछ ए टू जेड कितने तारीख को होगा सब लिखा हुआ है, कितना सैलरी लगेगा, कितना घंटा का ड्यूटी रहेगा, सब लिखा हुआ है। आप लोग आके इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। एसीसी कंपनी में कंपनी खराब नहीं है, आपको 1 से 10 के बीच में सैलरी मिल जाएगा, 10 से 11 आपका सैलरी नहीं होगा, सैलरी आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेगा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। जब कंपनी सैलरी नहीं कम देता है तो मैनेजमेंट में कोई दिक्कत, सैलरी कम ही है इसमें। आप ये समझ जाइए कि 5 साल पहले 8 साल पहले सैलरी यही था, आज भी सैलरी वही है। सैलरी इसका किसी भी वर्कर का सैलरी उतना बढ़ता नहीं है, इसमें ओनली ओवर टाइम के भरोसे आदमी जाते हैं इस कंपनी में। और इस कंपनी में दोस्तों लिव सैलरी और बोनस दोनों मिलता है, लेकिन सैलरी बढ़ाता नहीं है, इसमें सैलरी नहीं बढ़ता है। इस कंपनी में आप लोग जाएं, आप सभी को कुछ दिक्कत नहीं आएगा, सैलरी कम है। जो भाई को सैलरी लगे कि हमें सैलरी में हमारा घर चल जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा, वही भाई जाएं, जिनको सैलरी कम लगता है वो ना जाएं दोस्तों। तो दोस्तों एसीसी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मैनेजमेंट सही है, सैलरी टाइम से है, ए टू जेड व्यवस्था इसका जो भी है क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल। समझ जाइए कि दुबई के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसा कंपनी है जिसमें सैलरी बिल्कुल नॉर्मल है, एक एफएफपी कंपनी ही नहीं है, दुबई में बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो काम करा के भी पैसा नहीं देता है। तो यह कंपनी अच्छा है दुबई के अंदर, आप लोग इसमें कंपनी जा सकते हैं, कुछ दिक्कत आप सभी को नहीं आएगा। जो भाई फ्रेशर है, काम बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो भाई फ्रेशर है काम थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वो इस कंपनी में जाके आराम से काम सीख के पैसा भी कमा सकते हैं दोस्तों। तो यह कंपनी ऐसा है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए।